नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आप हमारे चैनल पर किडनी से जुड़ी हर तरह की प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे आप हमारे हर लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन पा सकेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या किडनी पेशेंट पनीर खा सकते हैं या नहीं। पनीर एक मिल्क प्रोडक्ट है और ह्यूमन बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट डाइट है। दूध में एसिड को ऐड करके पनीर तैयार किया जाता है, जैसे कि नींबू का रस, सिरका या साइट्रिक एसिड। साथ ही पनीर में कैल्शियम, फॉस्फोरस, विटामिन और प्रोटीन होते हैं, जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। किडनी पेशेंट पनीर खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में ही। पनीर डाइजेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, पेट को भरता है, साथ ही इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन आपको फ्रेश पनीर ही खाना है। अब आपको बताते हैं कि किडनी पेशेंट किस तरह से पनीर का इंटेक कर सकते हैं। किडनी पेशेंट पनीर खा सकते हैं, लेकिन पनीर के साथ नमक का यूज नहीं करना है। पनीर पर बहुत कम मात्रा में ऑयल लगाकर आप माइक्रोवेव में रोस्ट करके पनीर खा सकते हैं। पनीर को आप तवे पर भूनकर खा सकते हैं। पनीर को कम ऑयल वाले पराठे के रूप में भी खा सकते हैं। पनीर की भुजी बनाकर भी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन इसकी क्वांटिटी आप अपनी डाइटिशियन की एडवाइस पर ही लें। किडनी पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपकी किडनी कितना परसेंट काम कर रही है, इसलिए आप एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। अगर किडनी पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन पास हो रहा है, तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए पनीर लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए। साथ ही यूरिन में प्रोटीन पास करना एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। पनीर का सेवन मॉडरेट अमाउंट में होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस प्रोटीन नेचुरल लूपिंग, नेफ्रोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम को छोड़कर किडनी पर प्रेशर डालता है। अब बात करेंगे पनीर के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट है मजबूत हड्डी और दांत। पनीर प्रोटीन, कैल्शियम और पोटेशियम में प्रॉस्पेरस है, जो स्ट्रॉन्ग टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में यूजफुल है। सेकेंड है वजन कम करना। पनीर वेट लूज करने में बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होता है, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट होता है। ये डाइट फाइबर में भी हाई है, जो मेटाबॉलिज्म में इम्प्रूवमेंट करके डाइजेशन में फायदा करती है, इसलिए ये वेट लूज करने में हेल्प करता है। थर्ड है ब्लड प्रेशर। पनीर में पोटेशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में हेल्प करता है। फोर्थ है इम्यून सिस्टम को बेटर बनाता है। जी, ये इम्यून सिस्टम और हीमोग्लोबिन काउंट को बेटर बनाता है, जो बच्चों में होने वाली कई बीमारियों जैसे खांसी, जुकाम, ब्रोंकियल अस्थमा आदि को कम करता है। और लास्ट है प्रोस्टेट कैंसर। पनीर के डेली सेवन से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम होता है। तो आज हमने आपको बताया कि किडनी पेशेंट पनीर खा सकते हैं या नहीं। उम्मीद है आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार किडनी की समस्या से यदि परेशान है, तो आप कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से इलाज करवा सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।